बिरयानी बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है आधा किलो गोश्त, ये एक चम्मच जीरे धनिया का पाउडर, ये एक चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, इलायची भी पीस ली है इसमें, इलायची भी है पीसा हुआ, ये दो चम्मच अदरक लहसुन है, ये एक चम्मच हरी मिर्ची, डेढ़ चम्मच ये आधा चम्मच, और ये पाव किलो दही है, चक्का दही, थोड़ा नमक है, ऐसा मिला के रख देना एक घंटा दो घंटे, एक दो घंटे डेढ़ घंटा, रखने के बाद मसाला और है बाद में बोल मैरिनेशन करके रख दे रही आगे का और बाद में बता दी, ये गोश्त मसाले लगा के एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए रख दे रही, ये अच्छे से ऐसा मिक्स कर ले रही। वाइट बिरयानी वाइट गोश्त की बादाम है, दस बादाम है, ये दस काजू है, इसको पीसना है अभी आके रखें, देखो ये बादाम भिगा दिए, बादाम का पेस्ट बनाना है, बादाम काजू भिगा दिए थोड़ी देर पहले, ये बादाम ये है ना, दो तेज पत्ते है, चार इलायची, थोड़ा दालचीनी, ज़रा वो है दालचीनी, ये बिरयानी के फूल दो है, एक चम्मच शाहजीरा है, ये एक प्याली तेल है, दो प्याज के दो प्याज है मीडियम साइज के, एक किलो चावल है, ये एक कोथमीर पुदीना दो है, हरी मिर्ची है, ये दाल है, ये गोश्त पकाने का दाल प्याली तेल, इसमें ये तेज पत्ता दालचीनी इलायची शाहजीरा ये सब पका लें, ज़्यादा नहीं होना लाल, थोड़ा थोड़ा ज़रा मर के प्याज डाल देना इसमें, ये प्याज मीडियम साइज के दो, प्याज पूरी का लाल नहीं होना, ये मीडियम से ऐसा सा तीखा कलर आना है, पिंक कलर, तो पिंक कलर आ गया, ये है ना, ये अब इसमें गोश्त डाल रही हूँ, ये सब बन मसाला मिला के रखे थे इसमें गोश्त, ये गोश्त गलने के बाद से एक प्याली पानी डाल दें, उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देते,
चार सीटियाँ होना, एक चार सीटियों के बाद देखना गोश्त गल गया बोल के, अगर नहीं गला तो और फिर और पानी डाल के गला सकते। एक किलो चावल, एक चमच अदरक लहसुन डाल अदरक में, एक चमचे से दो चमचे नमक डाल, थोड़ा तेल डाल एक दो चमचे, उसमें दो तेज पत्ते डाल दिए, थोड़े दालचीनी का चकला दो, उसके बाद थोड़ा शाह जीरा आधा चमच, छोटे एक चार लौंग डाल, इलायची चार, थोड़ा पुदीना डालना, थोड़े हरी मिर्ची दो, थोड़ा पुदीना, थोड़ा हरा धनिया, ये अदहन आ गया, देखो पानी रखते थे ना, चावल डाल रही हूँ, भिगा दिए थे एक घंटा पहले, अदहन में डाल दिए पतला खाना है, ये दही डाल रही है बिरयानी मसाला, ये बिरयानी मसाला है, ये एक चम्मच, ये पेस्ट है बादाम काजू का, एक चमच मलाई, ये पुदीना है, ये कोथमीर, एक दो हरी मिर्ची,
ये तली हुई प्याज बिरयानी की अपने हिसाब से डाल लेना। ये 50% पके, ये राइस 80% पकना है खाना है। ये पहले अभी 50% है वो डाल दे रही फर्स्ट लेयर। ऐसा डाल देते हैं पूरे चावल एक लेयर में आते हैं एक साथ नरम रहे। ये 80% पक गए चावल ये ऊपर के, नीचे के ज़रा 60% पका के डाले 50% निथा दिए। अब ये ऊपर से प्याज डाल दो। दूध एक प्याली, ये पानी थोड़ा खाना दम होने नीचे दाग न लगे। ये प्याली से दो प्याली तेल, तेज आंच पे 5 मिनट देखना, 5 मिनट पकना तेज आंच पे जरा रखना। उसके बाद भाप आने के बाद 5 मिनट दम पे रख देना लो फ्लेम पे। व्हाइट बिरयानी दम हो गई। व्हाइट बिरयानी अच्छी दम हो गई।